हिंदी फिल्मी जगत में धक धक गर्ल के नाम से जानी जाने वाली माधुरी दीक्षित को भला कौन नहीं जानता। देश से लेकर विदेश तक में माधुरी दीक्षित के लोग कायल हैं। मगर माधुरी का शुरुआती फिल्मी सफर कुछ खास नहीं था। हिंदी फिल्म जगत की उनकी पहली फिल्म फ्लॉप रही थी और इसके बाद तो माधुरी ने फैसला कर लिया था कि अब तो पढ़ाई ही करना है और कुछ और बन के दिखाना है। और पहली फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद में माधुरी दीक्षित ने वापस से अपनी पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस दौरान भी माधुरी दीक्षित को फिल्मों के ऑफर आते रहे। माधुरी दीक्षित के माता पिता को उनके फिल्मी दुनिया में कदम रखने से आपत्ति थी, लेकिन किस्मत को तो जैसे कुछ और ही मंजूर था। और उसके बाद जो हुआ वो आज तक दुनिया देखती रह गई। माधुरी दीक्षित बन जाती हैं फिल्मी जगत की जानी मानी अभिनेत्री। 15 मई 1967 को मुंबई के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी माधुरी दीक्षित बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को तो जैसे कुछ और ही मंजूर था। जब माधुरी दीक्षित महज 16 या 17 साल की हुई तो उस वक्त उन्हें एक फिल्म का ऑफर मिला था। माधुरी ने 12वीं के एग्जाम दिए थे और उस समय उनकी छुट्टियां पड़ गई थी। इसी दौरान माधुरी को उनके जीवन की पहली फिल्म का ऑफर आ गया। माधुरी दीक्षित या फिर उनके परिवार का फिल्मी जगत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, मगर फिर भी माधुरी को 12वीं कक्षा के एग्जाम देने के बाद से ही हिंदी फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। एक इंटरव्यू में माधुरी दीक्षित ने अपनी पहली फिल्म का जो ऑफर उन्हें मिला था उसके बारे में जिक्र किया था। ये किस्सा भी बड़ा दिलचस्प था। माधुरी ने बताया कि जब उन्होंने 12वीं के एग्जाम दिए तो उसके बाद की छुट्टियां पड़ने की वजह से वो घर पर खाली बैठी हुई थी। इन्हीं छुट्टियों में उन्हें राष्ट्रीय प्रोडक्शन से फिल्म अबोध के लिए ऑफर आ गया था। दरअसल फिल्म अबोध के लिए डायरेक्टर हिरेन नाग को एक मासूम चेहरे की तलाश थी। माधुरी दीक्षित अपने स्कूल में प्लेज और डांसिंग में हमेशा आगे रहती थी। वहीं दूसरी ओर माधुरी दीक्षित की बड़ी बहन की एक दोस्त के पिता राशि प्रोडक्शन के साथ में जुड़े हुए थे, जिसके कारण डायरेक्टर हिरेन नाग को माधुरी के बारे में पता चल गया और उन्होंने अपनी फिल्म अबोध में माधुरी को काम करने का मौका दे दिया। अब आपको बता दें कि जब माधुरी दीक्षित को फिल्म अबोध में काम करने का मौका मिला तो माधुरी दीक्षित के पिता शंकर दीक्षित द्वारा माधुरी को फिल्मों में काम करने के लिए मना कर दिया गया था। लेकिन बाद में उन्हें कई बार मनाने के बाद शंकर दीक्षित मान गए और फिर कहीं जाकर माधुरी दीक्षित फिल्म अबोध के लिए स्क्रीन टेस्ट देने के लिए चली गई। और हैरानी की बात ये रही कि पहली ही बार में माधुरी दीक्षित स्क्रीनिंग में सेलेक्ट भी हो गई। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और 1984 में माधुरी दीक्षित की डेब्यू फिल्म अबोध रिलीज हो गई। लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिल्म फ्लॉप हो गई और अपनी पहली ही फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद माधुरी ने दोबारा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन इस दौरान भी माधुरी के पास लगातार फिल्मों के ऑफर आ ही रहे थे। भले ही उनकी पहली फिल्म फ्लॉप हो गई हो, मगर सभी को उनका काम बहुत पसंद आया था और यही वजह थी कि उनको लगातार फिल्मों के ऑफर आए जा रहे थे। भले ही माधुरी दीक्षित की पहली फिल्म अबोध फ्लॉप रही हो, लेकिन माधुरी दीक्षित फिल्मी जगत से कभी कटी नहीं और देखते ही देखते माधुरी दीक्षित ने हिंदी फिल्म जगत में अपना ऐसा सिक्का जमाया कि आज भी कोई उनके मुकाबले में नहीं है। फिल्मी जगत में माधुरी दीक्षित का नाम बनाने में सुभाष घाई का बड़ा हाथ रहा। भले ही वो माधुरी दीक्षित को फिल्मी जगत में ना लाए हों, मगर उन्होंने माधुरी को कुछ ऐसे मौके दिए जिनसे माधुरी का हिंदी फिल्मी जगत में अच्छा खासा नाम बन गया, यानी कि उनकी नींव मजबूत हो गई। सबसे पहले सुभाष घाई द्वारा माधुरी को एक डांस सीक्वल के लिए कास्ट किया गया जो कि कर्मा फिल्म में था, मगर बाद में इस फिल्म से इस डांस सीक्वल को ही हटा दिया गया। लेकिन सुभाष घाई द्वारा माधुरी दीक्षित से ये वादा किया गया कि वो माधुरी को अपनी दूसरी फिल्म में जरूर रोल देंगे। इसके बाद सुभाष घाई द्वारा माधुरी दीक्षित को फिल्म उत्तर दक्षिण में कास्ट किया गया, लेकिन ये फिल्म भी बड़े पर्दे पर ज्यादा ना चल पाई। मगर कहीं ना कहीं सुभाष घाई माधुरी दीक्षित के हुनर को पहचान गए थे, जिसके बाद उन्होंने माधुरी दीक्षित को एक और मौका दिया और माधुरी नजर आई सुभाष घाई की फिल्म राम लखन में, जिसमें उनके साथ मुख्य किरदार में थे अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और डिंपल कपाड़िया। ये फिल्म 1989 में रिलीज हुई थी, मगर इससे पहले ही माधुरी दीक्षित को फिल्म तेजाब से सफलता मिल चुकी थी। फिल्म तेजाब का निर्देशन एन चंद्रा द्वारा किया गया था, जो कि 1988 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म तेजाब से मिले स्टारडम से माधुरी दीक्षित लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। इसी फिल्म के बाद से लोग माधुरी दीक्षित को जानने लगे थे और इस फिल्म में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित लीड रोल में थे और दोनों की जोड़ी को लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा था। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो उस वक्त माधुरी दीक्षित भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में थी। दरअसल अमेरिका में माधुरी की बहन की शादी थी और इस दौरान उनके पास फोन आया कि उनकी फिल्म सुपरहिट है,
माधुरी ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई और वो अमेरिका से वापस इंडिया आ गई। एयरपोर्ट से कार से वापस लौटते वक्त जब माधुरी दीक्षित की कार एक सिग्नल पर रुकी तो एक फूल बेच रहा बच्चा उनकी कार की ओर भागा भागा आया और माधुरी से कहने लगा कि वो मोहिनी है ना। जब माधुरी दीक्षित ने एक बच्चे के मुख से अपने किरदार का नाम सुना तो वो अचंभित रह गई, क्योंकि इससे पहले माधुरी दीक्षित को कोई भी नहीं पहचानता था। माधुरी ने बच्चे को बताया कि हाँ वही मोहिनी है। और इसके बाद उस बच्चे ने माधुरी दीक्षित को एक कागज दिया और उनसे उनका ऑटोग्राफ मांगा। आपको बता दें कि ये माधुरी दीक्षित की जिंदगी का पहला ऑटोग्राफ था जो उन्होंने एक बच्चे को दिया था। इस बात का खुलासा खुद माधुरी दीक्षित द्वारा अनुपम खेर के एक शो में किया गया था। माधुरी दीक्षित द्वारा ये भी बताया गया कि उस वक्त उन्हें असल में एक स्टार होने का एहसास हुआ था। 1988 के बाद लगातार दो हिट फिल्म देने के बाद 1990 में माधुरी दीक्षित की आमिर खान के साथ फिल्म आई दिल, और इस फिल्म में माधुरी दीक्षित एक अमीर लड़की का किरदार निभा रही थी और आमिर खान एक गरीब लड़के का। ये फिल्म भी बाकी दो फिल्मों की तरह सुपरहिट रही और फिर मिली माधुरी दीक्षित के करियर को एक नई ऊंचाई। राष्ट्रीय प्रोडक्शन द्वारा माधुरी दीक्षित को फिल्म हम आपके हैं कौन के लिए कास्ट किया गया। 1994 में रिलीज हुई इस फिल्म में मुख्य भूमिका में माधुरी दीक्षित और सलमान खान थे। निशा की भूमिका निभा रही माधुरी दीक्षित को लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया। वहीं इस फिल्म को भारत में तो पसंद किया ही गया, साथ ही विदेशों में भी इस फिल्म को खूब पसंद किया गया और यही कारण रहा कि इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड भी सबसे ज्यादा कमाई की। इस फिल्म ने इतनी कमाई की कि इसका रिकॉर्ड कई सालों तक कोई भी फिल्म नहीं तोड़ पाई। और इस फिल्म के रिलीज होने के 7 साल के बाद 2022 में सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर फिल्म आई, तब जाकर इस फिल्म का रिकॉर्ड टूटा। फिल्म हम आपके हैं कौन में मुख्य भूमिका में सलमान खान और माधुरी दीक्षित थे। इनके अलावा फिल्म में रेणुका सहाने, आलोक नाथ, मोइनीश बहल और अनुपम खेर फिल्म में दमदार एक्टिंग करते हुए नजर आए। इस फिल्म के बाद से माधुरी दीक्षित को हिंदी फिल्मी जगत की सफल अभिनेत्रियों में गिना जाने लगा और इसके बाद माधुरी दीक्षित ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। हिंदी फिल्मी जगत में अपना बेहतरीन योगदान देने के बाद से ही माधुरी दीक्षित आज की सभी अभिनेत्रियों की आदर्श बन चुकी हैं। अपने काम से माधुरी दीक्षित ने हिंदी फिल्मी जगत में अपनी छवि एक बेहतरीन अदाकारा के साथ साथ एक सुप्रसिद्ध नृत्यांगना के रूप में स्थापित की है। 90 के दशक में तो माधुरी दीक्षित का स्टारडम आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। उन्होंने अपने फिल्मी सफर में कई हिट फिल्में दी हैं और इन हिट फिल्मों में से 17 फिल्में तो उन्होंने केवल अनिल कपूर के साथ ही की हैं, जिनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आ रही थी। तो दोस्तों, ये थी माधुरी दीक्षित के जीवन से जुड़ी अनसुनी बातें। आपको माधुरी दीक्षित की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।